आज की जो रेमेडी है वो स्किन वाइटनिंग पे काम करेगी, स्किन ब्राइटनिंग पे काम करेगी। अगर आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन के निशान है, झाइयां एक ऐसी समस्या है अगर चेहरे पे हो जाती है तो जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेती है, और ऐसे में हमें ऐसा लगता है कोई कुछ बता दे उसे हम अपने चेहरे पे अप्लाई कर ले और हम झाइयों से छुटकारा पा जाए, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट से हम महंगी महंगी क्रीम लेके आते हैं केमिकल वाली, उसे अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं, हमारे चेहरे से झाइयां तो नहीं जाती है लेकिन हमारी स्किन जरूर डैमेज हो जाती है। तो आज की जो रेमेडी है बहुत ही इफेक्टिव है, अगर आप इसे रेगुलर अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो पिगमेंटेशन की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। चेहरे पे किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके फेस पे कभी भी दाग धब्बे थे। जो रेमेडी है इसमें हम आलू के जूस का इस्तेमाल करेंगे, इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो भी चाहिए तो इस रेमेडी को आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छा निखार आ जाएगा आपके चेहरे पे। तो हमें लेना है यहाँ पे एक आलू, आलू को इस तरह से कट कर लेना है, हाफ आलू हमें यहाँ पे लेना है, इस तरह से ग्रेट करना है, इसका जूस हमें निकालना है, इसके जूस से ही हम रेमेडी बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेमेडी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे हमें 2 से 3 चम्मच आलू का जूस लेना है, आप चाहिए तो इसे मिक्सी जार में ऐड करके ग्राइंड भी कर सकते हैं, इस तरह से भी इजिली निकल जाता है। 2 से 3 चम्मच ही हमें लेना है। जब आप आलू का जूस निकालेंगे तो तुरंत आपको रेमेडी नहीं बनाना है, कम से कम इसे 5 से 10 मिनट रखना है आपको, जिससे कि इसका जो कलर है चेंज हो जाए थोड़ा सा, जब इसमें कालापन आने लगेगा आलू के जूस में उसी टाइम आपको रेमेडी बनाना है। तो इस तरह से आलू का जूस निकाल कर मैं थोड़ी देर के लिए इसे रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो चुका है, 5 से 7 मिनट हुआ है, इस तरह से देखिए जब कलर हो जाएगा तभी आपको रेमेडी बनाना है, तब जाके इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अभी इसमें हमें ऐड करना है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर हमारे स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, नेचुरल तरीके से दाग धब्बों को रिमूव करता है। तो यहाँ पे हमें 2 चम्मच लेना है मुलेठी पाउडर, मुलेठी पाउडर ही आपको लेना है। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं। उसके बाद ये जो खास इंग्रेडिएंट है ये है घी, ये गाय का घी है और आपको देसी घी ही लेना है, मार्केट वाली नहीं लेना है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप ले सकते हैं, जो देसी होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई मिलावट नहीं होता। तो यहाँ पे 5 से 6 ड्रॉप हमने लिया है देसी गाय का घी है, और उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट हमें इसे रखना है रेस्ट करने के लिए, उसके बाद हमें इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं आपके चेहरे पे, तो इसे आप हफ्ते में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। आल टाइप स्किन वाले लोग इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको इसे हफ्ते में 1 बार ही अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, मैंने पानी से फेस वॉश किया है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है, कच्चे दूध से मैं फेस क्लीन कर रही हूँ, ये नेचुरल क्लींजर का काम करता है। आप डेली अपने चेहरे को इससे क्लीन कीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा खासा फर्क दिखने वाला है आपके स्किन पे। कच्चा दूध हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, नाइट में भी आप इसे अप्लाई करके ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फेस क्लीनिंग हो गया है, उसके बाद इस रेमेडी को हमें पूरे फेस पे अप्लाई करना है, एक मीडियम सा लेयर लगा देना है, 10 से 12 मिनट हमें रखना है, बहुत ज़्यादा फेस पैक को ड्राई नहीं करना है। अगर आप नेचुरल तरीके से अपने चेहरे को बेदाग बनाना चाहते हैं, ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, अपना कलर टोन इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, चाहे कितने साल पुराना भी पिगमेंटेशन क्यों ना हो, आपको मार्केट वाली क्रीम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। मार्केट वाली जो केमिकल वाली क्रीम होती है उससे हमारे चेहरे से दाग धब्बे जाते हैं, हमारी झाइयाँ जाती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वापस उसी तरह से हो जाती है जब चेहरे पे हमारे धूप पड़ती है, तो स्किन पे रेडनेस होती है और धीरे धीरे पिगमेंटेशन उसी तरह से हमारे चेहरे पे वापस आ जाता है। हमारे चेहरे से झाइयां तो नहीं जाती हैं, लेकिन केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करने से हमारी स्किन जरूर डैमेज हो जाती है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, इस DIY से आपकी झाइयां पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगी। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गया था, हमें लेना है बाउल में कच्चा दूध और एक कॉटन पैड लेना है, उससे पहले फेस पैक को अच्छे से गीला कर लेना है, उसके बाद इसी कॉटन पैड से आपको स्मूथली 3 से 4 मिनट मसाज करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको नॉर्मल वाटर से फेस पैक को रिमूव कर देना है। ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला सेंसिटिव स्किन है तो इस रेमेडी को आपको हफ्ते में 1 बार अप्लाई करना है, नॉर्मल स्किन है तो आपको 2 बार अप्लाई करना है इसे। धीरे धीरे आपके चेहरे से झाइयां, डार्क स्पॉट, किसी भी तरह के निशान हो, जले का निशान हो, धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, स्किन बिल्कुल बेदाग हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, आपका जो कलर टोन है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। जो DIY रेमेडी होती है धीरे धीरे अपना वर्क करती है, लेकिन उसका रिजल्ट 100% मिलता है, आपकी झाइयां, आपके चेहरे से दाग धब्बे पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे फेस पैक मैंने रिमूव किया है, उसके बाद थोड़ा सा हमें लेना है कोकोनट ऑयल।
कोकोनट ऑयल को हथेली में लेके इस तरह से रब करना है, उसके बाद पूरे फेस पे मसाज करना है, 1 से 2 मिनट मसाज करना है, जिससे कि कोकोनट ऑयल पूरी तरह से हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल ले सकते हो या बादाम ऑयल ले सकते हो, लेकिन इसे आपको रेगुलर करना है। ये जो लास्ट वाला स्टेप है इसे आपको नाइट में फॉलो करना है। दिन में अगर आप घर पे हैं, बाहर नहीं जा रहे, तो दिन में भी जब भी आप रेमेडी अप्लाई करते हैं इस तरह से मसाज करके छोड़ दीजिए। नाइट में आपको जरूर करना है। इस तरह से धीरे धीरे आपके चेहरे से दाग धब्बे रिमूव